हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और फिर आज एक नई सुबह हो गई है और बड़ा अच्छा मौसम लग रहा है। आज निकली है भाई धूप। कल थोड़ा बारिश का मौसम था, कुछ बारिश हुई भी थी। अभी थोड़ा सा मतलब ऊपर की साइड जो है ना, देख रहे हैं हम लाइक मसूरी की साइड, तो लग रहा है कि बारिश होगी। अभी तो मतलब हम देहरादून से मेन सिटी से हम 7-8 किलोमीटर ऊपर की तरफ हैं जहाँ से मसूरी जाते हैं, तो हम यहीं स्टे किया था जैसे मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया है। और अभी हम दिल्ली के लिए निकलने वाले हैं। सुबह के टाइम हो रहा है अभी 8:30 और मैं नहा लिया हूँ। बुनू बुनू घूम के आ चुका है, बैठा है। स्नेहा अभी दूसरे रूम में गई है और अभी हम भी बस वहीं पे जा रहे हैं। फ़ोन आ रहा है, शायद ये स्नेहा का आ रहा है और फिर हम निकलेंगे बैक टू होम। ये बैठा मेरा झबरू, इसके बाल देख लो। ओए सलमान खान, तू क्या बन रहा है? ये तेरे नाम वाला बन रहा है ये। चल चलें, वो घुस गया अपनी चेयर के नीचे। चल चलें। बुनू की बन रही है चोटी। और राधे भैया, राधे भैया अब दिखा, आंखें दिखा दे अपनी। अब तो आईज दिख रही हैं, रेड रेड हो रही हैं बेटा। डिवॉर्मिंग का टाइम आ गया। कल गोल ले लियो अपनी, कल ही खिला दो ना इसको। एक ही बहुत है। अरे सुंदर टेडी बियर एंटीना एंटीना, अब ये सिग्नल पकड़ेगा इससे। दीदी का है, दीदी कौन सी किस्त कटने वाली है? और ये जो है ना, ये दरवाजा, ये सेकंड होम है भैया का। ये बेटा बुनू, बुनू तो बहुत खुश हो रहा है, बहुत खुश, बहुत ही खुश हो रहा है। देख कितने खुश हो रहा है, देख। क्या खाएगा बुना? शकरकंदी। शकरकंदी खाएगा? अभी खाएंगे रास्ते में। अरे भाई सारा सामान जो है ना हमने रखवा लिया है गाड़ी में और अभी हम निकल रहे हैं। अभी दीदी और कंचन जो है ना वो आ रहे हैं, ऊपर ही हैं अभी, कुछ शायद सामान वामान रखवा रहे हैं वो। और मजा आ गया भाई स्टे करके। और मैं आपको दिखाता हूँ वो गार्डन कौन सा। रात को तो मैं दिखा नहीं पाया बट मैं अभी दिखा देता हूँ जाने से पहले। ये रहा गार्डन, ये पूरा इनका ही है पीछे। बहुत अच्छा है भाई, यहाँ पे आओ आराम से बैठो। सही मौसम हो ना तो मज़ा ही आ जाए। ये देखो कितना बड़ा गार्डन है, आराम से बैठने की जगह है। ये लाइटिंग है बट मैं रात को थोड़ा सा बिजी था इसलिए मैं दिखा नहीं पाया, बट अभी आप लोग देख के समझ सकते हो। आ गई है भाई स्नेहा भी और दीदी भी आ गई है और मैंने जो पेंडिंग पैसे थे ना वो दे दिए थे मैंने। तो अभी हम चल रहे हैं, दो बोतल पानी भरवा रहे हैं। ये आ गए दो, ये दो गरीब आ गए हमारे। ये हो गया तुम्हारा काम खत्म। ये बुनू के फ्रेंड्स हैं, ये बुनू के फ्रेंड्स। देख आराम से बैठिए पीछे, हम भी ऐड करेंगे। अभी घर जाती ना ऐसे ही करेंगे, हम भी ऐसी बड़ी बड़ी डाल देंगे उसके अंदर। तुम लक्ष्मी नगर तो लानी पड़ेगी, कितनी बढ़िया लग रही है। हाँ शार्प, घर जाने की टेंशन थी, मैं सही सलामत पहुँच जाऊँ बस। और 3 घंटे में पहुँचा दो 150 की स्पीड पे। तबीयत खराब हो गई थी, अभी ठीक है ना दीदी? अभी तो फर्स्ट क्लास हो रही है थोड़ी सी, लेकिन बस इतनी ही सलामत है कि भाई मैं जल्दी से मैं अपने घर पहुँच जाऊँ। मैं कल रात से बस, ये रात भी क्या है, कल दिन में 3-4 बजे से, और ये अभी अपने बेड से उठी हैं कि भाई अब मैं घर जा रही हूँ और मैं जल्दी से पहुँच जाऊँ। मेरे को कह रही 3 घंटे पहुँचे, मैंने 150 की स्पीड पर चला दूँगी गाड़ी। नहीं 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 भाई, 50-40 की भाई चलनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। एक्चुअली इनको बहुत ज़्यादा गैस बन गई थी कल, तो उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। बाकी तो डॉक्टर को चेक कराएंगे अभी दिल्ली पहुँच के। यहाँ पे भी कराया था मैक्स में, जैसे आपने देखा, क्या पता चलता था। तो छींक आ गई मेरे को बहुत तेज़ वाली, जाने से पहले एक ही छींक आनी अच्छी नहीं होती, इसलिए हम 5 मिनट रुक के जाएंगे। आप कभी भी इस होटल में विज़िट करोगे ना भाई, तो मैं बता देता हूँ कौन यहाँ पे मिलेंगे। भैया मिलेंगे, कौन है वो दिखा देता हूँ। ये वाले भैया मिलेंगे यहाँ पे, ये वाले। क्या नाम है भैया आपका? और ये यहीं पे मिलेंगे और एक ये वाले भैया मिलेंगे। तो कोई भी आएगा तो इनसे मिल लो, बहुत अच्छी डील देंगे और होटल भी बहुत अच्छा है, सर्विस भी बहुत अच्छी है। मतलब फ़ोन करते ही ऐसे तभी आ जाते। ठीक है सर, मीट यू सून। तो चलते हैं भाई अपने घर की तरफ, बहुत काम करना है। और वैसे ही पेंडिंग हो गई है सारी चीज़ें, तो लेट्स सी अभी कितनी देर लगेगी। सब बैठ चुके हैं गाड़ी में, मेरे को बाहर छोड़ दिया कि तू अपने आप आ जाइयो। देख रहे हो अत्याचार है ये मेरे पे। ये देखो ये देखो ये देखो, रूम में से भूल गए तो यहाँ बाल सेट कर रहे।
ये देखो भाई रघु वापस चलो भाई गणपति पप्पा मंगल मूर्ति चलो भाई अभी हम पियेंगे नारियल पानी। वाह एक तो भैया ने छीन दिया है दूसरा भी बड़ी ये दीदी है जो ये है 21 साल की मोटी लग रही हूं। 21 साल की ये भैया है ये बैठे हैं 19 साल के ये लड़की बैठी है ये है 16 साल की और ये है 2 साल का और मैं हूँ 11 साल का। अरे इसका ढक्कन कहाँ लग गया बोतल का? खुश सब खुश। मैं पैदा नहीं हुआ मैं अभी थोड़ा सा पैदा नहीं हुआ हूँ और ये आ गया मेरा बेटा प्यारा मेरा प्यारा आ गया ये मेरा बूनू आ गया मेरा बच्चा आ गया मेरा बच्चा मेरा बच्चा आ गया मेरा बच्चा आ गया मासी को बुलाओ खाएं सुन लो इस बेसुरी का गाना सुन लो भाई सारे चल माय भूली सिंगर ऐसे हैं जो लिरिक्स याद नहीं है क्या ही सिंगर बनेगी यार कंचन आ गई मलाई खा ले चलो भाई चलो चलो जल्दी चलो क्या नाम है भैया इसका चकोतरा बोलते हैं चकोतरा 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 दिखाना कैसा होता है ये दिखाना ले लो ये होता है ये तो नहीं खाते ना इसका नहीं खाते ये खाते जैसे संतरा खाते हैं वैसे ही खाते हैं लो भैया ले लो करन लाओ भी अच्छा ये है वाह खा के देखता हूँ भाई ये है अलग ही तरीके का फ्रूट है पहली बार खाएंगे और ये पता कितने रुपए का है भाई एक ये 100 रुपए का है 1 किलो मतलब 1 किलो 100 रुपए और ये कह रहे हैं 80 रुपए में दे देंगे तो ये आज खा के देखेंगे कैसा है कैसा नहीं है आगे अमरूद भी हैं तो वो भी एक दो ले लेंगे खा लेंगे थोड़ा सा पेट भर जाएगा थोड़ा अच्छा भी रहता है और ये पहली बार ना मतलब ये वाला फ्रूट जो है पहली बार देखा है हरिद्वार के पास से हम निकल रहे हैं वहाँ पे ये हमें दिखा मैंने कहा पूछ ही लेते हैं भाई क्या है दूर से क्या बोल रहे थे क्या है ये नहीं बेल इसको बेल बेल फिर इसको पता चल रहा है कि ये और कुछ है मैंने कहा रुक के देखो ये जो फ्रूट है ना ये बोल रहे कि लोकल यही लगता है हरिद्वार में 15-20 दिन ही मिलता है ये इसी मौसम में और अभी कौन सा मौसम चल रहा है सितंबर का एंड है तो इस मौसम में ये कह रहे 15-20 दिन मिलता है बाकी आपको यहीं कहीं मिलेगा नहीं अब इसको काटना कैसे अरे मसाला रह गया मसाला इसको मसाला लगा के खाओ तो बहुत अच्छा लगे समझ लो बड़ा संतरा है ये खट्टा मिठाई का लगी इसका टेस्ट है इतना इतना मतलब बड़ा है पर इसके इसका तो वो है इसके पल्प में सारा वजन है चलो भाई खा लेंगे ये भी नया फ्रूट है पहली बार अमरूद सो गई ये सो गई 160 रुपए किलो आधे किलो ले लो ना भैया थोड़ा कम करो चार का जो वेट आ रहा है वो बता दो और उसको पैसे कम करने वाले ये वाले लिए हमने इनमें गारंटी है ये 160 रुपए किलो वो बिना गारंटी के हैं 80 रुपए किलो और ये अंकल हैं ये चंट बालक लग रहे हैं मेरे को 250 ग्राम हो रहा है हैं 250 रुपए का चार सही है 5 रुपए अरे 20 के चार दे दो फेमस होना है इसकी तो बहुत ही गारंटी है अरे गारंटी में है क्या गारंटी में सही निकलेगा इसकी नहीं है ये तो कहने वाली बात है मेन अमरूद तो वही है वही सही नहीं निकलेगा तो ये कैसे निकल जाएगा तो अब हम करेंगे भाई पेट पूजा और हम रुके हैं रास्ते में बूनू ये बेटा सबसे पहले बूनू को खिलाएंगे बूनू के लिए खाना तैयार हो रहा है अभी है ना भाई बूनू शकरकंदी इसमें सब्जियां डाल दी हैं जीरा पनीर और बूनू ये बेटा हमारा बूनू खाएगा जल्दी से बूनू को आ गया खाना ये तो स्पेशल चटनी ये प्याज ये दही और ये आ गए पराठे ये आलू के पराठे ये दीदी ने मंगाए और ये बैठा बूनू बूनू ने अपना खाना खा लिया है ना बूनू सबसे पहले तो मेरे बेटे ने खाया है और ये हमारी सुंदर लड़की वेट कर रही है कि इसका खाना कब आएगा तू भी ये खाएगी और कुछ मंगाया है दाल वो मंगाई है दाल दाल तड़का और रोटी ओके और अमूल वाला बटर नहीं मंगाया
बटर बोला तो है। नाखुश लग रही है, इसकी नाखुश होने की वजह है क्योंकि सर्विस यह की थोड़ी ढीली है। और ये देखो ये सारा बटर लपेट दिया मेरा। कंचन बस अब देख, जब मैंने लगाया था तब कह रही थी इतना बटर नहीं खाती मैं। हाँ ऐसे टिक्की तोड़ के लगाई थी ठंडे पे, ठंडी रोटी पे लगाया था तुमने बटर। लपेट दिया तुझे सारा बटर। अब फिर कहती है मैं चिकना ही नहीं खाती, मैं बटर नहीं खाती। वो देखो दीदी को, वो सबसे सही है, अपना शांत रहो और लपेट दो। अब रात तक मुझे भूख नहीं लगी, इतना बढ़िया खाना खिलाया तुमने। ये सारा खाना चट कर गए और लास्ट में कह रहे हैं कि मैंने इनको समझाया कि भाई खाने के बाद तुम बुराई कर रहे हो, अच्छा नहीं होता क्योंकि बिल देने की बारी है। अब सारे कह रहे हैं ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। कोई नहीं, आगे इसको पीनी है चाय। कंचन ये तेरे को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, अब तू खड़ी हो ले और निकल ले यहाँ से। बहुत कमेंट्री सुन लिया इन्होंने तेरी, सुन रही है। आप फिर रुकेंगे 10 से 15 मिनट बाद क्योंकि इसको पीनी है चाय। 5 मिनट बाद। और ये देखो ये बच्चों का झूला तोड़ेंगे, ये भारी भरकम इंसान। कह रहा था खाना अच्छा हो ना, और झूले तो मिल ही रहे हैं यहाँ, झूले झूलू है। गाड़ी में तो तुम चश्मा पहने रखते हो, भाड़ा के चश्मा उतार देते हो। आओ ये हमारी लड़की चाय। और फाइनली ये करने इसलिए रोकी क्योंकि मेरी उंगली ना अच्छा लगा यहाँ पे, इतना बढ़िया लग रहा है। ये पानी आ रहा है नीचे से, इसके अंदर फिर जा रहा हो, ऐसे सिस्टम हो रहा है। और ये अच्छी जगह लगी, ये हट्स ही है, छोटी छोटी हट्स बना रखी है, बैठने का है, बाहर की तरफ बैठेंगे। मस्त दीदी, सही है। ये है अंगीठी वेज रेस्टोरेंट, ये दिल्ली की तरफ जाते हुए मेरठ और मुजफ्फरनगर के रोड के बीच पे आता है। और ये देख लो भाई कितना बढ़िया लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये। ये देखो कहाँ बैठे हैं, ये बैठ गए तीनों, तीन बंदर बैठे हैं, तीन बंदर। संजय तेरे को इनसे कुछ याद आया? हाँ मेरे को याद आया। क्या 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 याद आया मतलब? तुझे ये चेयर देख के सिटी वाले के कुछ याद आया? जब हम एक बार जयपुर गए थे पहली बार। हाँ फिर भी तो रुके थे, जहाँ चाय नहीं दिखी थी। हाँ मुझे याद है। ये आ गया बुनू फ्रेश होके, ये बैठा है अभी यहाँ आराम से। पापा का बेटा जी, ये पापा का बेटा बुनू, बुनू गंदा करके आया हूँ मैं, कह रहा हूँ चाय पीऊंगा, चढ़ा के आया हूँ, चाय पिएगा तू। और ये दुखियारा इंसान बैठा है, ये कह रहा था मैं पनीर पकौड़ा खाऊंगा। और ये देखो इसको नींद आ रही है, सो लू इंसान को, सो जाऊंगी मैं। और ये देखो जी, ये लड़की है, ये सबसे ज़्यादा एक्टिव है पूरी गाड़ी में, सबसे ज़्यादा सोती हुई आती है ये, ये सबसे ज़्यादा एक्टिव लड़की है। मैं तो हुई एक्टिव, अभी चाय पी के भी सोने वाली है, चाय पी के एकदम मेरी नींद खुल जाएगी, नींद खुल जाएगी उसके बाद ये गाड़ी के आगे आगे भागेगी। है गंजन बोनू और मैं भागेंगे, है ना बोनू, बोनू बोनू आगे फ्रेंड्स। अब कैसे सुना तूने, कैसे सुना तूने, मिट्टी कितनी लगा के ला रहा है। लोकेशन अच्छी है यहाँ की। नाम क्या है इसका? अंगीठी, अंगीठी। ये दीदी ने मौसम अच्छा होने की वजह से मंगाए हैं पकौड़े, सबको दीदी ने मंगाया है सालो। जो कुछ आता है दीदी में नाम लगा देता है, जो कुछ हमारे सब दीदी ने मंगाया। तुम तो खाते ही नहीं हो। हम नहीं खाते, सही कह रहा है। पकौड़े हमने कभी खाए हैं बाहर की? अब आता, अब तो खा के मंगाए हैं। हां भाई खा के दिखा तू तेरे, पता है क्या करते हैं? देखो ये दीदी ने मंगाए हैं, तो ये फीकी मंगाई है चाय, तो चाय पकौड़े मीठे तो लेना है, ये मीठी। अरे तो भाई जब खा रहे हो तो सारी चीजें बराबर ही खा लो। थोड़ा पानी मिलेगा, पानी
बॉटल नहीं नॉर्मल ऐसे ये अलग निकली, हाथ धोने के लिए ये अलग नया ड्रामा आया है। हाल सारे बात है जाने में हाल हो ना। ये क्या करते हैं, पहले कैमरा उठाते हैं, ये बोलते हैं कि इन्होंने मंगाया है, ब्लॉग बंद करके फिर बोलते हट जाओ आने दो। एंड वाला ब्लॉग कभी नहीं देखा होगा आपने, बिल्कुल भी नहीं, कि लास्ट वाला बाइट किसने खा के, हमेशा आपका ही नाम लगता है हर चीज पे बिहाइंड कैमरा। ये देखो जी, ये लास्ट बाइट बची है अभी खाने में। यार मैंने वो एक ये कह रहे हैं कि तू खा ले, हमने इतना सब खा लिया, तू थोड़ा तू भी खा ले, मैं मना कर रहा हूं, उठाइयो मत, मैं कह रहा हूं नहीं खाऊंगा। अभी देखो क्रेविंग हो गई, रुको ये फैंटा भी आ गई है यार। तो ये तो मैंने मंगाई है, सारा लपेट दिया, ये करण ने लपेटे सारे पकौड़े। प्याज भी उधर ही, प्याज भी उधर ही, ये देखो तबू करण के पेट को देख के बता सकते हो इसने खाया। यार ये तो तुमने घुमाई है, ये बिहाइंड द कैमरा है। ये बीटी ओ भैया उठा लिया प्लेट में, ये देखिए खाते हुए करण माथुर, एक नहीं है लास्ट था। ये बोनू, अरे बोनू मैं तू वीडियो बनाएंगे, बोनू तो देख ही नहीं रहा मेरी तरफ, और मैं अभी पीछे वाली सीट पे शिफ्ट हो गया भाई। अब भैया की बारी आ गई गाड़ी चलाने की, और दीदी कह रही है आराम से ना, तुम भी आराम से ना, तुम भी फोन मत देखो है दीदी, दीदी को टेंशन हो जाती है पहले, है फोन नहीं देखना चाहिए, मैं भी देखूंगा ना भाई, फोन मत देख, अरे तू फोन मत देख, खुद लगी रहेगी, हाँ लगी रहेगी, ये तू चला गाड़ी, ये भैया 220 पे चलाओ, भैया के अरमान छूट गए होंगे, सोचा मैं सोऊंगा। ये भैया ने सोचा था क्या, खा भी लिया कोल्ड ड्रिंक पी ली फ्रेश हुए, अब मैं सोऊंगा। हरी से अब आराम करूंगा, आते ही सारी से उल्टी कर दी दीदी ने। अरे तू इतनी देर चला रहा है ना, आज तो पहले भी बोल रहे थे। ये भाई इसका काम यही है, तो सोती रहती है, और मेरा काम यही है कि मैं इसको सुलाता रहता हूँ। और एक ये दोनों एक जैसे एक ही मिले मेरे को, ये भी यहाँ सो रहा है अपना आराम से, मैं यहाँ बैठा हूँ, और ये मैडम जी घोड़े बेच रही है, मैं और राज सबसे सुबह से घोड़े बेच रही है, मैं और करण सबसे ज्यादा एक्टिव है, राज भी सो जाता है, मैं और करण भी सोते हैं, हम वो है ना उल्लू, जागते ही रहते हैं। हम पहुंचने वाले हैं दिल्ली, और भाई हमने ये मतलब यहाँ पे सराय कालेगा के पास से जैन शिकंजी वाले पे रुके हैं, और ये देखो इनकी पार्टी चल रही है, देखो पकोड़े कौन खा रहे हैं अब, बड़े टेस्टी हैं, अब कौन खा रहे हैं, दिखा रही होगी शक्ल ने, दिखा रही अपनी, ये है शिकंजी रेस्टोरेंट, ये दिख रहा होगा यहाँ से, ये रहा शिकंजी रेस्टोरेंट, नहीं अभी और लेने जाने की बात हो रही है, वो खाने का नहीं भैया, ये तो खा तो खा ले, ये ले सेकंड आया है, ये स्प्रिंग रोल लेके आए हैं, ये देख तीन चटनी स्प्रिंग रोल, ये खाएगी अभी काले जी का, तो भैया मैं खाऊंगी, खाने के लिए मंगाए हैं, सही है मतलब टेस्ट भी अच्छा है, पहले जो पकौड़े लाए थे उनका भी अच्छा टेस्ट था, पार्टी तो यूं ही चलेगी, ये देखो दीदी को गुप्पू, मैं नहीं खा रही भाई, बूनू लटका हुआ है बाहर, बूनू अभी घूम लिया है, बूनू फ्रेश हो गया है, अभी घर जाके इसको खिलाएंगे, खिचड़ी, बूनू लुक हियर, बूनू लुक हियर, लुक हियर मेरा बेटा, ये कम से कम ना 5 घंटे सोया है, तो भाई फाइनली हम आ चुके हैं घर, और मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत 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 ज़्यादा थक गया हूँ मैं, क्योंकि कल भी
हम तो कोई रेस्ट नहीं मिल पाया, और आज भी ना मतलब सुबह से जो है अब हम चले जा रहे थे, धीरे धीरे आए हैं आराम से, क्योंकि ज़्यादा स्पीड से नहीं आ सकते थे। तो अपना पहुँचे हैं अभी, और थोड़ा सा लेट ही हो गए, थोड़ा खाना वगैरह हम बाहर ही खा के आए गए थे, जो हमने जो रास्ते में खाया है तो बस उसी में हमारा पेट भरा हुआ था। सो मुझे इसका भूख नहीं थी, किसी को भी नहीं थी खैर। और बुनू जो है, बुनू अपनी लुट लुटी कर रहा है, उसको तो बस खेलने का मौका मिला हुआ है, क्योंकि घर आके वो और खुश हो गया है कि मैं यहाँ पे और अच्छे से खेल सकता हूँ। पूरा दिन गाड़ी में बैठा था ना, तो वो एनर्जी भर लेता है अपनी, कि एनर्जी भर ली है मैंने, अब पापा आप मेरे को अपने साथ खेलने दो। जरा इधर बैठ, वो पागल हो गया, ये पागल हो गया बच्चा, ये बच्चा पागल हो गया किसी का, ये किसका बच्चा है ये, सोया चल। सो भाई मैं भी अभी सो रहा हूँ, और इस व्लॉग का यहीं एंड करते हैं। अब मिलेंगे आपसे कल एक नए दिन पे एक नई शुरुआत के साथ, और कल लेट्स सी हम क्या क्या चीज़ें करते हैं, सो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो तब तक के लिए टाटा बाय एंड सी यू।